भैया हम लोग 17 तो कर दिए, राहुल जी ने घोषणा की, गारंटी दी, प्रियंका जी ने गारंटी दी, हम सब ने गारंटी दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक हाथ तो आता। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, लेकिन सियासी दलों में चुनावी वादों और दावों को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, हमने 17 घोषणाएं की हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने गारंटी भी दी है, भाजपा को कम से कम एक गारंटी तो देनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री को उड़ान योजना के तहत बस्तर को जोड़ने वाली उड़ानों को रद्द करने और छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनों को रद्द करने पर संज्ञान लेना चाहिए। भैया हम लोग 17 तो कर दिए, राहुल जी ने घोषणा की, गारंटी दी, प्रियंका जी ने गारंटी दी, हम सब ने गारंटी दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक हाथ तो आता, बस उल्टा लटका के सीधा करेंगे। ये बस्तर आप जा रहे हैं, 12 सीटें आप लोग के पास है, बस्तर को लेकर कुछ खास फोकस जो अलग एजेंडा रहेगा क्या बस्तर को लेकर? बस्तर के लिए देखिए, हमारे जो गारंटी अभी दी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय शामिल है। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी हमारे लघु उपज है, जिसमें इमली है, महुआ है, अमचूर है, इन सबका 1,000 रूपये प्रति क्विंटल हमने बढ़ा दिया, उसके बढ़ाने की घोषणा की। दूसरी बात कि जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उसको हर साल 4,000 रूपये अतिरिक्त दिया जाएगा, हर तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार। तीसरी बात, जो भूमिहीन श्रमिक है उसे 7,000 से बढ़ा के 10,000 करने का फैसला किया, और उसी में जितने भी हमारे बैगा गुनिया है, हाट पारिया है, मोहरिया है, बजनिया है, ये इनको भी हम लोगों ने उसमें राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक के दायरे में लाया था, तो वो भी 7,000 से बढ़ के 10,000 हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, एक नगर नार स्टील प्लांट को हमको बिकने नहीं देना है, और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कम से कम जो बस्तर में जो उड़ान योजना है जिसमें सस्ती हवाई यात्रा होती थी उसको भी बंद कर दिया, अब महंगी टिकट खरीद के लोग यात्रा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कम से कम उसमें कुछ संज्ञान ले लेते। छत्तीसगढ़ में सारे ट्रेन रद्द हो रहे हैं, उसमें कुछ संज्ञान लेते, केवल कोई माल भर ढुलाएंगे यहाँ छत्तीसगढ़ से। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग 7 नवम्बर को होगी, वहीं दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा, और इसके बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी। अब इन दावों और वादों के बाद में जो चुनाव होना है उसका नतीजा क्या आएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।